जोलो 650 आपने भी इस्तेमाल की हो, बुखार में, बदन दर्द में, सिर दर्द या फिर कोरोना में नहीं की तो आपने नाम जरूर सुना ही होगा। जी हाँ, जोलो 650। मगर ये जोलो 650 आखिर विवादों में क्यों? क्या हुआ ऐसा कि जोलो 650 पर पूरे देश में सवाल खड़े होने लगे और कंपनी को सफाई तक देनी पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूँ आपके साथ। आपको भी याद होगा कि जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी तो बुखार उतारने के लिए हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही नाम हुआ करता था, जोलो 650। बुखार उतारने वाले इस दवा को लेकर लोगों का भरोसा कुछ इस कदर हो चुका था कि कोरोना महामारी के दौरान लोग अपनी जेब में इसे लेकर घूमते थे। आज भी हर घर में जोलो का एक आध पत्ता जरूर मिल जाएगा, लेकिन किसी ने अभी तक नहीं सोचा था कि आखिर अचानक से इतना धूम मचाने वाली जोलो 650 टैबलेट की बंपर बिक्री की वजह क्या। जोलो 650 बनाने वाली बेंगलुरु की कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड पर अब आरोप लग रहा है कि कंपनी ने दवा को प्रमोट करने के लिए गलत हथकंडे अपनाए। दरअसल फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि माइक्रो लैब्स ने जोलो 650 की बिक्री को प्रमोट करने के लिए देश भर के डॉक्टर्स को 1,000 करोड़ रुपए के गिफ्ट बांटे। इसके अलावा एसोसिएशन ने भारत में बेचे जाने वाली दवाओं के फॉर्मुलेशन और कीमतों पर नियंत्रण को लेकर भी चिंता जताई। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स के अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि जोलो तो महज एक उदाहरण है, कई कंपनियां इस तरह के कारनामे कर रही हैं। इसके अलावा कंपनी पर इस बात का भी आरोप है कि भारत सरकार के नियमों के लूपहोल का फायदा उठाते हुए 650 मिलीग्राम की दवा बनाई गई। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने पहले ही पैरासिटामोल की कीमत तय कर रखी, लेकिन इसमें एक पेंच है। पैरासिटामोल की 500 ग्राम की कीमत तो NPPA के आदेश के तहत रखी गई है, लेकिन इसी दवा की 650 मिलीग्राम की टैबलेट पर सरकार का नियंत्रण नहीं। ऐसे में दवा कंपनियां 500 mg से ऊपर की दवाओं की कीमत खुद ही तय कर सकती है, और यही से कंपनी को जोलो 650 की कीमत ज्यादा तय करने का मौका मिल गया। अब ये भी जान लेते हैं कि माइक्रो लैब्स की तरक्की में जोलो 650 का कितना बड़ा योगदान रहा है। आंकड़ों की बात करें तो कोरोना से पहले कंपनी हर साल जोलो 650 के करीब 7.50 करोड़ पत्ते बेचती, लेकिन कोरोना महामारी के शुरुआत के बाद से 2020 में कंपनी ने लगभग 9.5 करोड़ पत्ते बेचे। जोलो 650 के एक पत्ते में 15 गोलियां होती है और इस तरह से हर दिन करीब 55 लाख गोलियां बेची गई। बताया जा रहा है कि इस बिक्री से कंपनी ने 568 करोड़ की कमाई की। इसके बाद फिर साल 2021 में तो कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस दौरान जोलो 650 के 14.5 करोड़ पत्ते बेचे गए। जब कोरोना के सेकेंड वेव के बाद जोलो 650 की बिक्री सबसे ज्यादा हुई, तब सिर्फ 2 महीने में लगभग कंपनी ने 94 करोड़ की दवा बेची। 2021 में सभी कंपनियों की मिलाकर 924 करोड़ की यह दवा बिकी, जिसमें 307 करोड़ की सिर्फ जोलो 650 की बिकी। इसके साथ ही जोलो 650 भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुखार दर्द की दवा बन गई। इसकी 2-3 वजहें हैं। इसमें 650 मिलीग्राम पैरासिटामोल है, जबकि अन्य दवाओं में 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल होता है। कंपनी की यह दवा कितनी पॉपुलर थी, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आम से लेकर खास हर कोई इस दवा के मुरीद हो चुके हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जब उन्हें कोरोना हुआ था तो उन्हें भी जोलो 650 लेने को कहा गया था। कंपनी तब पहली बार विवादों के घेरे में आई थी जब आयकर विभाग ने 6 जुलाई 2022 को 9 राज्यों में स्थित कंपनी के 36 ठिकानों पर छापा मारा था। हालांकि 1,000 करोड़ की मुफ्तखोरी के आरोपों को लेकर माइक्रो लैब्स ने सफाई भी दी है, जिसमें कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग जयराज गोविंद राजू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि हमारी पीक सेल भी इतनी नहीं है तो हम 1,000 करोड़ की गिफ्ट कैसे बांट सकते। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार के निर्देशित दाम से ऊपर यानी कि दवा के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। हमारी दवा की कीमत कई सालों से 2 रुपए प्रति टेबलेट है और हम इसी दाम पर दवा बेच रहे हैं। वहीं कंपनी के प्रवक्ता ने भी अपने हाल ही के बयान में कहा है कि मीडिया में आई कुछ खबरों में बिल्कुल निराधार आरोप लगाया गया है। इससे माइक्रो लैब्स, फार्म इंडस्ट्री और डॉक्टरी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची। आपको बता दें कि कंपनी को
KCMD दिलीप सुराना और डायरेक्टर आनंद सुराना की देखरेख में चलाया जा रहा है। खैर, ये था जोलो को लेकर विवाद और विवादों को लेकर कंपनी की सफाई, मगर सच्चाई क्या है ये पूरा देश जानना चाहेगा, क्योंकि बात यहाँ विश्वास की भी है। और हाँ, कहते हैं ना, जान है तो जहान। नमस्कार।